بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. रहमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं संदल नवाज और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं महानूर लतीफ़। माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो के है मगफरत वाला अशरा। मगफरत वाले अशरे का आज 20 रमज़ानुल मुबारक। आज के दिन रब से यही दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हम सबके गुनाहों की हमें माफ़ी देना, हमने जो इबादत की हैं कबूल फरमाना, हमसे जो गलती हैं जो कुताहियाँ हो चुकी हैं उसकी हमें माफ़ी देना, आने वाले कल में हमें गुनाहों से बचाना। हम गुनाहगार हैं, तेरे बंदे हैं, बेशक या रब्बुल आलमीन तू ही माफ़ करने वाला है। आज के दिन के सदके हमें माफ़ फरमाना, हमारे गुनाहों की हमें माफ़ी देना और हमारी मगफरत फरमाना, हमारी आखरत सवार देना। या रब्बुल आलमीन तेरे सिवा कोई नहीं, हमारे हम गुनाहगारों का तू ही है, बेशक तू ही माफ़ करने वाला है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने आदम का इल्म, नूह का तकद्दुस, इब्राहिम की इस्तकामत, मूसा की ताकत, ईसा की इबादत देखनी हो तो अली को देखिए। ईसा की इबादत देखनी हो तो अली को देखिए। जब मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़र्ब लगी तो उसके बाद तबीब को बुलाया गया। तबीब ने ज़ख्म देखने के बाद कहा, जितना हो सके इमाम अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया जाए। तारीख में है, जब यह खबर कूफे में फैली तो हर बच्चे के हाथ में दूध का प्याला था। तो खबर फैली तो हर बच्चे के हाथ में दूध का प्याला था, जो इमाम अली इस्लाम को पुकार रहे थे, ऐ यतीमों के बाबा दरवाज़ा खोलिए, ऐ यतीमों के बाबा दरवाज़ा खोलिए, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं। या अली आपके बाद हमारा कौन है, या अली आपके बाद हमारा कौन है। लाए हैं वही बच्चे हाथों में दूध के कटोरे, लाए हैं वही बच्चे हाथों में दूध के कटोरे, जिन्हें देते थे इमाम रात की तारीखी में रोटी, जिन्हें देते थे इमाम रात की तारीखी में रोटी। हम क्या बात करेंगे, क्या कह सकते हैं, अल्फाज शायद नहीं हैं। हम गुनाहगार उनकी शान में क्या बयान करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ करेंगे हम सब के लिए कि या रब्बुल आलमीन हम सब की मगफरत फरमाना, हम सब को गुनाहों की माफ़ी दे देना। हमने जो 11 महीने जो गलतियां की हैं, जो गुनाह किए हैं, इसमें माह रमज़ानुल मुबारक के सदके में हमें 11 महीनों के गुनाहों की माफ़ी दे, हमारी गलतियां कुताहियां जो जो हम कर चुके हैं उनकी माफ़ी दे, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मगफरत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारी आखरत संवारना। जैसे कि आपको पता है, हर रोज़ हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, हमारे पास एक नया मौजू होता है, उस मौजू से आप हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे घरों में हमारे बच्चों को दीन के बारे में पता चलता है, जो हम स्कूलिंग बच्चों को करवाते हैं उसमें दीन की बातें इतनी ज़्यादा नहीं होती, हदीस के बारे में नहीं बच्चों को पता चलता। हमारी ट्रांसमिशन में जो हम जो टॉपिक लेकर आते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आने वाले कल में हमारे बहुत काम आती है। हमारे आज के सेट में, आज की ट्रांसमिशन में हमारे बहुत सारे खूबसूरत जो गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी महानूर से कि महानूर आज के अपने पैनल का तारुफ करवाइए प्लीज़। बहुत शुक्रिया संदल, मैं अपने पैनल का तारुफ करवाते चलूँ। सबसे पहले तिलावत पाक की सादत हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद नसन मोइनी साहब, जो कि सरगोधा से तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के मलिक शहबाज आवान, टिकट होल्डर भी रह चुके हैं, उनके साथ उनकी मिसेस मौजूद हैं, मिसेस शहबाज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई जो कि हमारा सेट भी स्पॉन्सर किया है उन्होंने, हाफिज़ मोहम्मद वसीम कादरी, जो कि ऑनर है मदनी डेकोरेशन के। बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका टाइम निकालने का और हमारे सेट को रौनक बख्शने का। उनके साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची मौजूद है हुरैन, जो कि आज हमें नाते रसूल सुनाएंगी, और उनके साथ हमारे भाई मौजूद हैं ज़ीशान हैदर नौशाही। बहुत शुक्रिया आपका और आप सबका हमारे पैनल का हिस्सा बने का।
कहते हैं जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो नात के लिए हमारे भाई मौजूद हैं ज़ीशान हैदर नौशाही, तो आपसे ही कहूँगी कि हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। उनके दर पे कयाम काफी है, उनके दर पे कयाम काफी है, उनके दर पे मुझे इतना इनाम काफी है, मुझे इतना इनाम काफी है, मुझे इतना इनाम काफी है, छोड़ना दा शाही को छोड़ना दान बाद शाही को, उनका होना गुलाम काफी है, उनका होना गुलाम काफी है। मुझको सागर ना, मुझको सागर ना, मुझको सागर ना और दे साकी, मुझको सागर ना और दे साकी, मुझको सागर ना और दे साकी, बस मदीने का जाम काफी है, बस मदीने का जाम काफी है, मुझे इतना इनाम काफी है। ये सवेरे तुम्हें मुबारक हो, ये सवेरे तुम्हें मुबारक हो, अब तो तैबा शाम काफी है, अब तो की शाम काफी है। और मत्ता गाऊं नगमे लब्बे आका का नाम काफी है, लब्बे आका का नाम काफी है, उनके दर पे कयाम काफी है। हाँ।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमारी नन्ही सी क्यूट सी बहना का क्या नाम है? माइक लेकर बताइए ना आप हमें। माशाल्लाह इतना प्यारा सज सवर के आप, तो आप बताइए हमें आप कौन सा कलाम सुनाएंगे हमें? या नबी सलाम अलैका, या रसूल
एक ख्वाब सुनावा, पुर नूर फिजावा, आका दा मुहल्ला, जिमें अर्श नूहल्ला, कदी आन फरिश्ते, कदी जान फरिश्ते, साडे अजलो जुड़ गए अल्लाह। आप जल्दी से मेरे पास आइए, जल्दी से भाग कर मेरे पास आइए आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताइए, इधर बैठिए एक मिनट के लिए आप, ये आपने खुद से याद किया? आप प्रैक्टिस करते हैं? आपको शौक है नात पढ़ने का? कब से? अभी तो आप छोटी सी, इतनी सी हैं बिल्कुल, तो आप कब से शौक आपको पैदा हुआ? माइक नहीं है आपके पास, तो मुझे कैसे चले? उनकी आवाज़ में बात कीजिए, आपकी आवाज़ आएगी। अच्छा, ये आपकी जहाँ आप कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या बात है, ये अपने आप ही का भी बताइए और बात कीजिए इसमें। कैसे आपको शौक, बाजी को देख देख के आपको नाच पढ़ने का शौक पैदा हुआ? अच्छा, आपकी एज कितनी है? माशाल्लाह 11 इयर्स में बहुत अच्छे। मेरा दिल कर आज मैं आपके साथ सेल्फी बनवा, सच में आपने जाना नहीं है, आपने इंतजार करना है, मैं आपके साथ सेल्फी बनाऊंगी। और अपनी उस्ताद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा जिन्होंने आपको माशाल्लाह इतना सिखाया है। अल्लाह और बच्चों को भी ऐसे ही वो सिखाए और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत अच्छा माशाल्लाह, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। मैं हैरान हो रही थी, हमारा जैसे माशाल्लाह से एक दो दिन से मैं देख रही थी, बच्चे आ रहे हैं छोटे और वो पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह उनमें इतना कॉन्फिडेंस है और इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ के जाते हैं, इतना अच्छा पढ़ के जाते हैं कि जब हम लोग छोटे होते थे हमारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं था ना। हम लोग बात करते हुए ना, मुझे एक बार अच्छे तरह से याद है, स्कूल का कंपटीशन था तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आपने ना परफॉर्मेंस देनी है तो आप नाच कर लीजिएगा चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। और मैं जब मैं स्टेज पे गई ना परफॉर्मेंस देने के लिए, आई वॉज इन फिफ्थ क्लास में भी ना, तो मैं जब स्टेज पे गई परफॉर्मेंस देने के लिए और मेरे हाथ पांव ऐसे फूले हुए हैं और मैं ऐसे देख रही हूँ, अल्लाह पता नहीं क्या होगा। और वो तब कैमरा नहीं होता था और आजकल के माशाल्लाह से बच्चे कैमरा फेस करके भी इतना अच्छा कर लेते हैं। मसला पता है कि महानूर के ये होती है शौक की बात, बचपन से ही वो कहते हैं ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो पता चल जाता है कि ये क्या बनेगा, उसकी हरकतें ऐसी होती हैं, उसका उठना बैठना, उसका वो अगर सखी है तो उसने बचपन में ही माँ बाप ने जो चीज़ें उनको देनी है तो उसने बांटना शुरू कर देना है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी अलग टाइप की नेचर है उसकी तो उसने अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी है। इसका मतलब है कि वो बड़े होकर भी वो किसी को अपनी चीज़ों को, ये बच्चा जब पैदा होता है उसे उसके बाद जैसे ही उसकी नेचर का पता चलना शुरू हो जाता है और कॉन्फिडेंस, ये जैसे कि नात माशाल्लाह बच्चे पढ़े, कल भी दो बच्चे आए थे आज भी, तो ये चीज़ें जो है ना गॉड गिफ्टेड होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक बच्चे के अंदर ये चीज़ होती है और उसका शौक भी वही होता है। हमारे जो प्यारे आज गेस्ट बैठे हुए हैं, क्यों ना हम इनसे बात कर लें पहले। हाँ, जरूर। कि सर ये बताइए आपके, और नहीं पहले तो लेडीज फर्स्ट, आप बताइए कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, गुजर गया है जो? माइक है आपके पास लगा हुआ है आपको? जी ठीक है। बहुत अच्छा गुजर रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। रमज़ान का ही महीना एक ऐसा होता है पूरे साल में कि जिसमें आप हर चीज़ को एंजॉय करते हो, आप एक टाइम टेबल सेट हो जाता है, बाकी दिनों में भी आप कोशिश करते हो लेकिन फिर भी आपकी रूटीन में कभी कुछ आ जाता है, लेकिन ये एक सहरी का टाइम, इफ्तारी का, आपके खाने की टाइमिंग्स, उसमें आप इतना वो टाइम को करते हो ना कि फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। कि जब आप एक टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं ना तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, आम रूटीन में तो खाना बनाना ये सब चीज़ें रूटीन की चीज़ होती है, रमज़ान में खास करके रमज़ान में रोज़ा भी रखा हो और आप कुकिंग भी करते हैं, चिड़चिड़ा बना होता है,
सम टाइम जब बच्चे थोड़ा सा तंग करते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं, मज़ा आता है। मुझे तो ये अच्छा लगता है कि आप इफ्तारी के लिए कुछ तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको सवाब का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि आपके माइंड में ये होता है कि आपको किसी से सवाब मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब एक चीज का आपको बोनस मिल रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मियां पे तो गुस्सा नहीं निकलता ना? मियां को वैसे सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है आपकी जी? आपकी मियां को आपकी सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है, आप ही बता दें, क्या अच्छा बनाती है सबसे ज्यादा? नहीं, वो तुमसे तो हम सवाल बाद में करेंगे, जरा इनसे पहले पूछ लेते हैं ना क्या क्या है, फिर देखते हैं कि कितनी मैचिंग होती है, कितनी बात में वो होता जी, है जी, अच्छा। सबसे अच्छी डिश आई थिंक मुझे तो यही लगता है कि बिरयानी जो है ना, वो मेरी इनको पसंद है। ये मुझे एक समझ नहीं आती, ये हर घर में जिससे भी सवाल करे आपको क्या अच्छा लगता है, बिरयानी अच्छी लगती है? हम लोग एक्चुअली हम लोग एशियन है ना, एशियन है ना, हम लोग रोज चावल भी खाए ना, हम लोग नहीं थकते हैं, और वो चावल में सबसे चावल में सबसे अच्छी वैरायटी जो होती है वो बिरयानी की होती है। अच्छा, मुझे बिरयानी अच्छी लगती है। नहीं, आई मीन जो आम रूटीन में चावल है ना, वो ये बिल्कुल लाइक नहीं करते, चावल नहीं खाते शौक से, रोटी ज्यादा पसंद। अच्छा, मुझे बिरयानी अच्छी नहीं लगती, मुझे यखनी वाला पुलाव अच्छा लगता है, बिरयानी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं कहती मुझे घर में पूछा, सच बताओ ना, कोई इतनी खास मास्टर भी नहीं हूं, बस अच्छा, मतलब इनका कहने का कि कहीं हम ये ना कह दें कि हमें बिरयानी खानी, तो आपको नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। हमारे साथ मौजूद है मलिक शहबाज अमान जो कि सीनियर रहनुमा है पीटीआई के भी, तो उनसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि रमज़ान में सियासी सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं और आपका कैसा रमज़ान गुजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं रॉयल न्यूज़ को चैनल को आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह आपने रमज़ान के महीने में इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, और हर रोज़ आप लोग हम लोगों को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान के नातखानों से मुतारफ़ करवाते हैं, तलाब कुरान पाक सुनवाते हैं, इस चीज़ की मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरा, रमज़ान का महीना हर बंदे की अपनी तबीयत अपनी नेचर होती है, मेरा तो दिल ये चाहता है कि पूरा साल रमज़ान होना चाहिए, इतना लुत्फ इतना मज़ा आता है। लोग कुछ लोग लूज हो जाते हैं, लूज़र हो जाते हैं कि जी रोज़ा रख कर हम जी लूज हो गए, लेकिन मैं जैसे ही रोज़ा रखता हूँ मुझ में अल्लाह ताला की तरफ से इतनी कुव्वत इतनी हिम्मत आती है कि मैं आम रूटीन से ज़्यादा वर्क करता हूँ। सर, आपकी बात से कि आप चाहते हैं कि पूरा साल रमज़ान रहे, और मुझे इसी बात पे एक बात याद आ गई है कि पूरे साल 12 महीने, वो कहते हैं ना, किसी ने ये कहा था कि रमज़ान के जाने का दुख 6 महीने तक मनाइए, रमज़ान के जाने का दुख 6 महीने तक मनाइए, रमज़ान के आने की खुशी 6 महीने तक मनाइए, पूरा साल खुदा जाने, खुदा की कसम कि आप गुनाह नहीं करेंगे। जब 6 महीने आप इंतज़ार में गुजार देंगे खुशी के इंतज़ार में कि रमज़ान आने वाला है, और 6 महीने रमज़ान के जाने के दुख में गुजार देंगे, तो गुनाहों की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। आप गुनाह कहाँ से करेंगे, बस ऐसे बन जाइए, हमें ऐसा बनना है कि हम गुनाहों से दूर रहें। गुनाह आखिरत को ख़राब करते हैं, आपके आने वाले कल को, आपकी नस्लों को, आपको, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में दरम बरम हो जाती है गुनाहों की वजह से। जितना आप अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे उतना ही आप अपने रब के नज़दीक होंगे। अगर अपने रब के नज़दीक रहना है तो गुनाहों से बचिए, अपनों से मिलिए, अपनाइयत अंदर पैदा कीजिए, गलत चीज़ें ना नहीं सोचिए। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको गलत रास्ते से बचाइए, ना कि उसको और मज़ीद आगे धकेले। जब आप उसको आगे धकेलेंगे तो आप, हो सकता है उसी जगह पे एक दिन आप भी जाकर खड़े हो। Exactly. तो सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो रब आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। यही हमारा हमारा दीन हमें यही दर्स देता है। अगर हम समझ सके हम मुसलमान हैं, अपने नबी की उम्मत से हैं, हमारे नबी ने हमारे लिए क्या किया, हम अपनी नबी की उम्मत से हैं, हमें चाहिए कि हम कुछ तो ऐसा करें कि जो हमारी नबी कहें कि ये मेरी उम्मत से है, ये हमारी मेरी उम्मत से है, हमें ऐसा बनना चाहिए। तो अभी हमारे भाई महानूर मसला जो है जी, हमारे भाई मोहम्मद साकिब कादरी मौजूद है, तो माइक है उनके पास, इनका माइक आपके पास? नहीं नहीं नहीं, उनके पास है माइक, उनके पास। ਉਤੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਖੀ ਹੋਵੇ।
सखी होवे ओते वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे मुहम्मद मुस्तफा दी मेरे लब ते नात काफी है मुहम्मद मुस्तफा दी मेरे लब ते नात काफी है मिले पंजतर दी चौकट तो ते फे है रात काफी है मिले पंजतर दी चौकट तो ते फे है रात काफी सदा देवा गदा बन के सदा देवा जतैबा दी गली होवे ओ ते वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे ओ ते वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे जिदा नाना नबी होवे जिदा नाना नबी होवे जिदा बाबा अली होवे ओदे वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे और नबी दे गीत हर वेले मैं ऐसे लेते गाना वा नबी दे गीत हर वेले मैं ऐसे लेते गाना वा नबी दे जिकीर दी मैं फिलते ताई घर विच सजाना वा नबी दे जिकीर दी मैं फिलते ताई घर विच सजाना वा के जावा जद कबर दे के जावा जद कबर दे कबर मेरी सजी होवे ओते वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे ओते वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे जिदा नाना नबी होवे जिदा नाना नबी होवे जिदा बाबा ली होवे ओदे वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे और दुआ मंगना नबी दी जुल्फ दा हर सासीर होवे दुआ मंगना नबी दी जुल्फ हर सासीर होवे हुसैनो हसैन दी चौकटे दाए हाकिम फकीर होवे हुसैनो हसैन दी चौकटे दाए हाकिम फकीर होवे अली कर दे अता होवे कर दे अता होवे अगे मेरी तली होवे ओते वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे ओते वरगा जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे माशाल्लाह अभी हमारे साथ बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले लफ्ज में जो पढ़ते हैं माशाल्लाह हर रोज एक नई बात आपको बताते हैं और कितने खूबसूरत अल्फाजों में तैतुल लफ्ज में तो सबको पता है बताने की ज़रूरत नहीं है हमारे साथ वसीम भाई की तरफ से स्पॉन्सर है तो बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تب تک وہ شخص مر نہیں سکتا جب تک جنت میں وہ اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اور اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد، اور اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا مشکلیں اب مشکل میں ہیں، پہلے میں مشکل میں تھا مشکلیں اب مشکل میں ہیں، ایک بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، ایک بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ اس لیے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، اس لیے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، جسم پڑھتا ہوں یارا یا علی کہنے کے بعد، اسم پڑھتا ہوں یارا یا علی کہنے کے بعد۔ راہ زشت پر چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد، ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد۔ کیونکہ سانسیں چلتی ہے بس علی کے لیے، سانسیں چلتی ہے بس علی کے لیے، آہ نکلتی ہے بس علی کے لیے، آہ نکلتی ہے بس علی کے لیے۔ دن نکلتا ہے دیدے حیدر کے لیے، دن نکلتا ہے دیدے حیدر کے لیے، ارے شام ڈلتی ہے بس علی کے لیے، شام ڈلتی ہے بس علی کے لیے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ صحنِ کعبہ میں، ایسا لگتا ہے کہ صحنِ کعبہ میں شمع جلتی ہے بس علی کے لیے، شمع جلتی ہے بس علی کے لیے۔ اور باہر چھپے خزانوں کو زمین باہر نکالتی ہے، چھپے خزانوں کو ہاں اگلتی ہے بس علی کے لیے، سانس چلتی ہے بس علی کے لیے۔ اور ہر سوالی کے یار کے کاسے کو، ہر سوالی کے یار کے کاسے کو بھیک ڈلتی ہے بس علی کے لیے، بھیک ڈلتی ہے بس علی کے لیے۔ اور میری دھڑکنیں بھی ہر گھڑی حاکم، میری دھڑکنیں بھی ہر گھڑی حاکم، میری دھڑکنیں بھی ہر گھڑی حاکم، اب مچلتی ہے علی کے لیے، اب مچلتی ہے بس علی کے لیے، سانسیں چلتی ہے بس علی کے لیے۔ بہت اچھے وسیم بھائی، ماشاءاللہ آؤٹ سٹینڈنگ، سلامت رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز شہباز، تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، ویسے تو خواتین کی تیاری جو عید کی ہے وہ تو فرسٹ رمضان سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنی تیاریاں ہوتی ہیں کہ وہ آخری، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آخری عشرے میں لیں گے، لیکن خواتین جو ہوتی ہیں نا ان کی اسپیشلی تیاری شروع سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ
जा रही है क्योंकि मैं खुद यही कोशिश करती, मेरी तो यही कोशिश होती कि आखिरी अक्षर से पहले पहले ही तैयारी हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद इतना रश और मुझे रश से बहुत एलर्जी है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं ज़्यादा रश में ना जाऊँ, मैं बस थोड़ा पहले कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी हद तक हो गई है, लेकिन एंड तक भी आप कितनी भी कोशिश कर लो ये तैयारी। बिल्कुल मैं यही बात करने लगी थी, और फैमिलीज में अक्सर ये होता है सारी तैयारी कम्प्लीट हो जाती है, चांद रात को कुछ ना कुछ ऐसी याद चीज याद आती है कि भाग रहे होते हैं, जा रहे हैं किधर, तो आप ओ ये चीज भूल गई थी, दुपट्टे को ये पीको करवा के रह गई थी, मेहंदी रह गई थी, चूड़ियां रह गई थी, ये इयररिंग्स रह गई थी, लड़की भी होती भी तो बहुत सारी थी, क्योंकि और इवन के जो बच्चे हैं ना उनको स्पेशली उनको ये होता है कि हम चांद रात को जरूर शॉपिंग करेंगे, हम चांद रात को जब तक शॉपिंग नहीं करेंगे तो हमारी कम्प्लीट नहीं होगी, उनको ये होता है कि जी हम चांद रात को जरूर जाएंगे। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। शहबाज साहब से मेरा एक सवाल है, माह रमज़ान माशाल्लाह खैर खैरियत से 20 रमज़ान मुबारक खैरियत से गुजर गए हैं, पर जैसे तैसे भी गरीबों ने अपना गुजारा कर लिया, आप हैं पीटीआई से, तो क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि इतना जुल्म गरीबों पे क्यों हुआ? ऐसी क्या आपके जो वादे थे, जो ये सब लोगों ने तो गलत किया, सब ने गरीबों का खून तो चूस लिया, उन्होंने तो नहीं सोचा गरीबों के बारे में, जब आपके लीडर ने कहा था कि मैं गरीबों के साथ हूँ, तो जब गरीबों के दिन आए तो फिर वो गरीबों का साथ क्यों छोड़ गए? मुझे आपसे ये सवाल का जवाब चाहिए। सबसे पहले जी आप लोग बाशऊर हैं, सारा पाकिस्तान अब बाशऊर हो चुका है, जब कोई एक चोर किसी घर को लूटता है तो तब उस घर को आबाद करने के लिए कुछ टाइम लगता है। अच्छा, इमरान खान साहब को भी 10 माह हुए हैं हुकूमत में आए, नून लीग और पीपल्स पार्टी 35 साल से इस मुल्क पे हुक्मरानी करते रहे। अच्छा, 35 साल उन्होंने इस मुल्क पे लूटा जी, अब इस लूटे हुए घर को संवरने में ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह ताला मैंने रमज़ान से पहले समा टीवी को इंटरव्यू दिया था कि इस माह रमज़ान में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। फिर भी हो रही है? हो रही है, नहीं आप ये देखें कि पिछले सालों की निस्बत बहुत माइनर, बहुत कम हो रही है, और इंशाल्लाह ताला रमज़ान का महीना है, 20वां रोज़ा है जी। हम सब लोगों को अल्लाह ताला के हजूर दुआ करनी चाहिए, ना उम्मीदी नहीं करनी चाहिए। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जाकर कहता हूँ कि हमारा जो वजीर आजम है वो ना तो चोर है, ना लुटेरा है, ना ही मुल्क का गद्दार है। अच्छा। वो पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत कर रहा है जी। बहुत मेहनत करेगा, और इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान चंद माह के अंदर आपने जो बात की है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अभी तक 10 महीनों में कौन सी चीज़ ऐसी अच्छी हुई? पेट्रोल आप देख लीजिए कि एक गरीब बंदा जो काम पर जाता है वो दिन में अगर भूल जाता है वापसी तक, तो जितना वो कमाता है उतना वो पेट्रोल पर लगा देता है। मेरी बात से आप बात कर लेंगे ठीक है? रमज़ान में जो हालात हैं हर चीज़ में वो भी आपके सामने है, छुपा तो नहीं कुछ भी। बाकी रही बात, आपने कहा कि पिछले चोर थे, पिछले ने ये किया, ये तो हर नया आने वाला यही कहता है कि पिछला गलत थे, पिछलों ने लूट लिया। आने वाले जब आप लोग आए थे आपने तो यही कहा था ना कि हम आते ही आपने आप लोगों के ही अल्फाज थे कि रातों रात नया पाकिस्तान बन जाएगा, तब्दीली वही तब्दीली आ जाएगी। क्या ये तब्दीली थी जो आप लाना चाहते थे? क्या ये सुन लीजिए सर, तो ये तब्दीली थी जो आप लाना चाहते थे? मैं रमज़ान है, मैं सिर्फ आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ कि शायद आपके जवाब से वो देखने वाले जो आज आप लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं चाहती हूँ कि आप उनको जवाब दीजिए, मुझे नहीं, मैं भी उनकी लाइन में हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मैं भी वो फ्रूट वो चीज़ें वो नहीं ले सकती। हमारे घर में भी यही, जो लोग पहले फ्रूट चाट बनाते थे एक गरीब फैमिली, अब वो नहीं बनाती जी। मैं जी 2005 में अपने हलका में
काउंसलर था, 2009 में चेयरमैन था और 2011 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की इस वजह से कि मैंने इमरान खान साहब में वो चीज़ें देखी जो दूसरे लीडरों में नहीं थी। आपकी तरफ आ रहा हूँ, जो आपने सवाल पूछा उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैंने जी पीटीआई ज्वाइन इसलिए की है कि इमरान खान जो है वो ईमानदार दयानदार आदमी है। अल्लाह करे जी, जिस दिन मैं ये चीज़ देखूंगा कि हमारे लीडर में इमरान खान साहब में पाकिस्तान के लिए इस अवाम के लिए एक पर्सन भी बद दयानती है तो मैं ये पार्टी छोड़ दूंगा और ऑनलाइन मीडिया पे आकर पूरी अवाम से माफ़ी मांगूंगा। अभी तक मुझे इमरान खान में ना तो कोई बेईमानी नज़र आई है और ना ही बद दयानती नज़र आई है। दूसरी बात रही, आप पूछ रहे हैं जी तब्दीली, जब तक कोई खिलाड़ी पिच के ऊपर खेल रहा हो तो उसका फैसला नहीं कर सकते कि ये जीतेगा या हारेगा। अभी तक 10 माह हुए हैं, 4 साल बकाया है, इंशाल्लाह ताला इन 4 सालों में जब तक इमरान खान की हुकूमत है, जब एंड होगा आप लोग खुद याद कर रखेंगे और कहेंगे कि वाकई हमारे मुल्क को ऐसा ही लीडर चाहिए था। ये आप लिख लें, आज मैं आपको दावा कर रहा हूं, लिख लें, रखते हैं। लेकिन वैसे हमारा ये रमजान ट्रांसमिशन है, हम इसको सियासी तरफ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर ये सियासी तरफ लेके जाएंगे मैं जरूर करूंगी कि आपकी इस सोच को मैं सलाम करती हूं, क्योंकि आप एक आवाम, एक आम लोगों के बीच में से उठ कर गए हैं, ठीक है। और आपने अपने लोगों से बहुत सारे वादे किए होंगे, बहुत सारी बातें की होंगी, वो आप पे डिपेंड करते हैं, आपके लीडर पे नहीं। उन्होंने आपको देखना है, जो आप उनके नज़दीक हैं वो लीडर उनके नज़दीक नहीं है। तो अल्लाह करे कि आपने जो कहा है वो सब सच हो और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो भी आए अच्छा करे, गरीबों का ख्याल रखे, हमें और मजीद आगे नहीं घुसे, आगे परेशानियों में ना लेके जाए, हमारे लिए आसानियां पैदा करे। हैं क्या हुआ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। नहीं, मैं खुद रात को न्यूज में पढ़ रही थी, मैंने खुद देखा, माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा पहले से कम हुआ है, इवन के डॉलर भी वो बता रहे थे। मैम मैं घर से ना इधर आने के बाद सोचती हूँ कि दोबारा मेरे प्रोड्यूसर मुझे दोबारा चक्कर तो नहीं लगा दें, कहेंगे कि थोड़ी देर के बाद आ जाओ, तो मैं टाइम से आती हूँ क्योंकि मैं भी इतना पेट्रोल जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये अच्छी चीज है ना, जब आप चीज को उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर वो आपके कंट्रोल में चीज को फिर यूजलेस कर लेते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा है ना तो आप जी 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 मैं आपकी चक्कर लगाती हूँ तो लगाने की चाहिए आपको। आप गलत है, देखिए आज मैं फिर वही बात करूंगी, आप लोग खुद ही जो है आप खुद ही बात करके, आपके लीडर भी आप खुद भी बात करके पलट जाते हैं। आपके लोग कहते हैं अगर आप बीमार हैं तो आप मेडिसिन महंगी हो गई है तो बीमार होना छोड़ दें, अगर आटा ये तो नहीं रोटी खाना छोड़ दें, आखिर क्या करें, रोटी खाना छोड़ दें तो आप दो भी नहीं कह सकते दो से एक रोटी छोड़ दें, आप रोटी खाना छोड़ दें, बीमार होना छोड़ दें। खत्म करते हैं कि बस हमारा रमजान ट्रांसमिशन है, हम बात करेंगे जरूर पॉलिटिकल धर्म टॉक शो ना बन जाए ना, वरना टॉक शो में बैठे हो ना फिर तो बड़े इंसान सवाल करता है, बड़े बात नहीं करता है जी। इंशाल्लाह जरूर, बेशक आप किसी भी पार्टी का कोई भी वर्कर कोई भी लीडर बुला लीजिएगा, इंशाल्लाह। सर ये रमजान ट्रांसमिशन है, हम इसलिए आपसे ये बातें कर रहे हैं क्योंकि हर इंसान जो है ना बाहर देखिए, मैं सर से बात कर साहब, हर बंदा जो है ना आप लोगों से बात करना चाहता है, पिछले लोग जो चले गए हैं ना उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि ये चीज ऐसे हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा सबको, तो कुछ नहीं मिला। मेरा सिर्फ आपसे यही सवाल था कि हमने आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें जो है वाबस्ता की थी, हमने कहा था कि हमें आज़ादी मिलेगी, हम लोग जो अच्छे तरीके से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं सिर्फ जिम्मे लड़ाई चल रही है, ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम जैसा हमने सोचा था कि ये गवर्नमेंट वैसी होगी वैसा कीजिए प्लीज, उन लोगों के ख्वाब मत तोड़िए जिन्होंने आपके लिए ख्वाब देखे थे। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शोक से नहीं गिरते फूल जोली में, वक्त की शाख को हलाना होगा, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा,
अपने हिस्से का दिया कुछ जलाना होगा। वाह, ये आपके लिए ही शेर है, वाह क्या बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बात करते हैं, मौजूद है भाई तो बहुत प्यारे से बच्चे हैं, तो उनसे भी हम सुनेंगे जरूर, नाथ आप सुनाएं। माइक ले लीजिएगा। मैं नमाज पढ़ना चाह रही हूँ, मेरी असल की नमाज जो है ना वो अभी रहती है, तो कहना ही होगी।
मते पे भी एक ओ ते कयामत घर में मेरे रहमत होगी। बहुत अच्छे फैजान अली हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अल्लाह पाक आपको और तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। हमारे साथ भाई हैं, उनको भी कहिए आप हदीया। जी जी, नाजिम हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप चलिए। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा। कोई मिसल मुस्तफा का कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा। कभी था ना है ना होगा किसी और का ये रुतबा। कभी था ना है ना होगा किसी और का ये रुतबा। कभी था ना है ना होगा कोई मिसल मुस्तफा का। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद भी दस्ते कुदरत। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद भी दस्ते कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा। कोई मेरे दामने अलब को है उन्हीं दर से निस्बत। मेरे दामने अलब को है उन्हीं दर से निस्बत।
किसी और दर से रिश्ता कभी था न है न होगा किसी और दर से रिश्ता सरे हश्र उनकी रहमत का सभी साथ हम आते हैं थोड़ी ही देर में इंद्र का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा ढाल है अगर किसी ने रोजा रखा हो तो उसे चाहिए कि फहश गोई न करे शोर शराबा न करे न किसी से जाहिलाना रवैया रखे अगर कोई उसे गाली दे या वो झगड़ा करे तो उससे कहे मैं रोजे से हूं अरे आशी ये बैंकॉक के फिजाएं और तुम एक ख्वाब था खुली हवाओं में आजाद उड़ने का पूरा हुआ लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से संदल ब्यूटी क्रीम चंद ही रोज में ऐसा गोरापन कि आप खुद रह जाएं दंग हे गर्ल्स हो जाओ गोरे अपना लो संदल मेरा ख्वाब था एक खूबसूरत घर और वो भी अच्छी लोकेशन पर लाहौर मोटरवे सिटी में पहले से डेवलप ब्लॉक्स में चंद महदूद प्लॉट्स की बुकिंग जारी है 5 मरला प्लॉट बुकिंग सिर्फ 3,90,000 रुपए से और 10,500 रुपए महाना एक साथ पर फाइल नहीं प्लॉट्स बराए राब्ता मार्केटिंग सॉल्यूशन 0305-440-6666 बुकिंग ऑफिस 70 अहमद ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर साइट ऑफिस कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज शेखुपुरा लाहौर सुल्तानिया Ghazi Khan. Call 0342-242-424 0312-026-3331
अरे आशी, ये बैंकॉक के फिजाएं और तुम, एक ख्वाब था। खुली हवाओं में आजाद उड़ने का, पूरा हुआ। लुक चेंज हुई तो लक चेंज हुआ, और लुक चेंज हुई संदल ब्यूटी क्रीम से। संदल ब्यूटी क्रीम चंद ही रोज में ऐसा गोरापन कि आप खुद रह जाए दंग। हे गर्ल्स, हो जाओ गोरे, अपना लो संदल। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس مبارک رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ میرا خواب تھا ایک خوبصورت گھر، اور وہ بھی اچھی لوکیشن پر، لاہور موٹر وے سٹی میں۔ پہلے سے ڈیولپ پلاٹس میں چند محدود پلاٹس کی بکنگ جاری ہے۔ پانچ مرلہ پلاٹ بکنگ صرف 3,90,000 روپے سے، اور 10,500 روپے ماہانہ اکسار پر۔ فائل نہیں پلاٹس، برائے رابطہ مارکیٹنگ سولوشن 0305-440-6666 بکنگ آفس 70 احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، سائٹ آفس کوٹ عبد المالک موٹر وے انٹرچینج شیخوپورا لاہور۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے۔ جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا، وہ گویا ہر خیر سے ہی محروم کر دیا گیا۔ یہ بینکاک کے فضائیں اور تم، ایک خواب تھا آزاد اڑنے کا، پورا ہوا۔ لک چینج ہوئی تو لک چینج ہوا، اور لک چینج ہوئی سندل بیوٹی کریم سے۔ سندل بیوٹی کریم چند ہی روز میں ایسا گورا پن کہ آپ خود رہ جائیں دنگ۔ ہے گرلز، ہو جاؤ گورے، اپنا لو سندل۔ LA 301 R Block Lalik Chowk DH Lahore for contact 0423574781 up to 2 this Ramadan. Welcome, O Ramadan, the month of blessings. Suhur, Taraweeh, Lailatul Qadr, Aitikaf, Eid ul Fitr, and many other practices that Prophet Muhammad, peace be upon him, did in this month of fasting. I'll be there for you throughout this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this month of Ramadan. Ramadan, a date with Dr. Zakir Naik, exclusively on Royal News.
लाइक? जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे हमारे भाई, हमारी बहन और हमारे बहुत प्यारी बातें करने वाले हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जो आज की हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। तो अभी इनसे भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवालों के जवाब लेने हैं। इससे पहले महानूर जो हमारे माशाल्लाह से नए जो पैनल पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ करवाइए। बिल्कुल सुनील, मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ इधर ज्वाइन किया हमें यूनुस शौकत ने, जो कि एनजीओ से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं फैसल महमूद कादरी, जो कि फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, और उनके साथ हैं मोहम्मद हुसैन, जो कि बिहाड़ी से तशरीफ़ लाए हैं, और उनके साथ हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी कुलीग हैं आयशा शफी। आपका और आप सबका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। तो क्यों ना संदल जी, बिल्कुल एक हम अपने भाई से कहेंगे कि आप हमें मोहम्मद हुसैन से कहते हैं कि हमें पेश करें, माइक ले लीजिएगा प्लीज। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही स्कॉलर हैं मुफ्ती अमजद साहब, बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका टाइम देने का, वक्त देने का। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे आज माशाल्लाह बहुत सारे लोग एतकाफ में बैठ जाएंगे, तो उसी हवाले से मेरा क्वेश्चन ये है कि औरतों का एतकाफ इख्तियार करने का सही तरीका और जायज़ तरीका क्या है? मतलब औरतें किस तरह से एतकाफ कर सकती हैं, मस्जिद में बैठ के एतकाफ इख्तियार कर सकती हैं या घरों में बैठ सकती हैं, और घरों में बैठती हैं तो किस तरह से वो एतकाफ इख्तियार कर सकती हैं? बहुत शुक्रिया आपने इस
बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए एतकाफ की जो स्पिरिट है उसकी रूह को जो है वो समझ लेना चाहिए कि एतकाफ का लुगवी माना है गोशा नशी हो जाना, यानी खलवत नशी हो जाना। इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की खातिर एक दिन दो दिन या दस दिन जो है, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि दस दिन आपने हर साल एतकाफ़ किया है, तो इसकी जो फिलॉसफी है, इसकी जो स्पिरिट है वो ये है कि इंसान जिस तरह अपने घर को छोड़कर मस्जिद चला जाता है, बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, तमाम कारोबारी जो मामलात हैं उनको तर्क कर देता है, तो इसी तरह ये चीज़ उसको रिमाइंड करवाती है कि एक दिन ये दुनिया छोड़कर वतन असली की तरफ चले जाना है। यानी उसमें भी इंसान अपने बच्चों को छोड़ देता है, बीवी को छोड़ देता है। और एतकाफ़ जो है ये रोज़े की मुंतहाए कमाल है, यानी रोज़ा जब पीक पर चला जाता है, रोज़ा जब अपनी इंतहा को चला जाता है, तो वो एतकाफ़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। रोज़े में हम खाना पीना छोड़ देते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन रात को हम ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। रोज़े में हम दूसरे लोगों से मिल सकते हैं, गमी खुशी के मौके पर मिल सकते हैं, लेकिन एतकाफ़ में ऐसा नहीं कर सकते। एतकाफ़ में हम, अगर हमारा कोई अपना अजीज़ मर गया है तो हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम मस्जिद से कदम जो है बाहर रखें, और हमें अगर इफ्तारी के लिए दावत दी गई है हम उसके लिए भी नहीं जा सकते बाहर। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है, जो जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं मुमकिन, जिस तरह खाना है पीना है, या मस्जिद नमाज जुमा के लिए अगर हम जाना चाहें तो उस सूरत में जा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है हम वो चीज़ नहीं कर सकते। तो बाकी रहा आपका सवाल के एतकाफ़ जो है ख़वातीन के हवाले से, बिल्कुल कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह फरमाते हैं कि वंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि एतकाफ़ की जो बेहतरीन सूरत है, बेहतरीन जगह है, वो तो मस्जिद है। चाहे मर्द है चाहे औरतें हैं ख़वातीन हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह जो है वो मस्जिद है। अच्छा, अगर मस्जिद में कोई इस तरह का मामला है कि वहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं है ख़वातीन के लिए, ज़रा मुश्किल है आना जाना, तो फिर घर में भी वो कर सकती, और घर में, घर के उस हिस्से में वो करेंगी कि जहाँ पर उनका मामूल है नमाज़ पढ़ने का, जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ती हैं, जहाँ पर बच्चों का आना जाना कम हो, जहाँ पर उनके लिए मुश्किलात ज़रा ज़्यादा ना हो, तो उस जगह को वो मुतय्यन कर सकती। जिस तरह हमने देखें घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने मुतय्यन की होती है, डाइनिंग रूम अलग से होता है, जो ड्राइंग रूम है वो अलग से होता है, मेहमानों के लिए बिठाने का मामला अलग से होता है, तो इस तरह हमारी ख़वातीन को एक इबादत के लिए भी एक जगह मुख्तस करनी चाहिए, तो उस जगह में भी ख़वातीन कर सकती हैं अगर मस्जिद में इस तरह का कोई अहतमाम ना हो। कहा कि लेडीज़ जो हैं मस्जिद में काफ़ी बैठ सकती हैं, क्या ये सही है? मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा आपके सामने रखी है। अच्छा, कि सबसे पहले तो अगर मस्जिद में तमाम कर दिया गया, जिस तरह के बहुत सारी मसाजिद में तमाम होता भी है, अलग से रास्ता है मर्दों के लिए, अलग से रास्ता उन्होंने बनाया होता है जी। तो अगर उस तरह की सूरत है तो बिल्कुल करें, लेकिन अगर कोई मामला इस तरह का, मस्जिद छोटी है और ख़वातीन का मामला जरा ठीक नहीं है, तो फिर घर के अंदर, और घर के अंदर उस हिस्से में जहाँ पर उसके लिए आसानी। ठीक है अलामा साहब, और मुझे ये बताइए मर्द और औरत दोनों के लिए, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी इतकाफ की शरायत क्या है इन दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए? देखिए शर्त ये एक सुन्नत मौकदा अलल किफाया इबादत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन भी किया है, 20 दिन भी किया है, और बाज़ रिवायात के मुताबिक 30 दिन भी आप अलैहिस्सलाम इतकाफ से रहे हैं, तो ये सुन्नत मौकदा अलल किफाया है, कोई फर्ज इबादत नहीं है, ना मर्द पर ना औरत पर। यानी उलमा ये कहते हैं कि मोहल्ले के अंदर, टाउन के अंदर, इलाके के अंदर अगर एक आदमी भी मस्जिद के अंदर बैठ जाता है तो सबकी तरफ से वो किफाया हो जाता है, काफी हो जाता है, यानी सबका बैठना जरूरी नहीं। तो अगर किसी भाई के पास वक्त और उसकी ड्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो जॉब का अगर कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो एतकाफ में बैठा जाता है जी, छुट्टियां हमें मिल जाए थोड़ी, हाँ फैशन ही बन गया अभी तो, ये सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात की है अलामा साहब आपने। मैं यही अलामा साहब, मैं आपसे यही बात करना चाह रही हूँ कि आप कुछ लोग, मैंने कल भी मेरे ख्याल से हम लोगों के बीच में ये डिस्कशन हुई थी कि 3 दिन 5 दिन और 10 दिन, ये 3 दिन के लिए उसमें क्या है, 5 दिन और 10 दिन पूरे जो हैं, क्या इनमें कुछ अलग अलग कोई है कुछ?
हदीस के सहूलत के हिसाब से है, अगर आपके पास एक दिन मुयस्सर है आप एक दिन बैठ सकते हैं, अगर आपके पास तीन दिन का मौका है आप तीन दिन बैठ सकते हैं। अच्छा हदीस की ऐसा कुछ नहीं, सुन्नत नहीं जी, सुन्नत जो है वो 10 दिन का, 10 दिन की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ये कहें कि मैंने सुन्नत पर अमल करना है तो वो फिर 10 दिन से कम ना बैठा। ठीक है, आज का जो सबसे ज़रूरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ और सब लोग जो देखने वाले भी बच्चे जो आज काफ पर बैठना चाह रहे हैं, आप इलामा साहब मुझे ये बताइए कि वो बच्चे जो काफ पर बैठना चाहते हैं उनको अपने घर वालों से इजाज़त लेकर बैठना चाहिए, माँ बाप से इजाज़त लेनी चाहिए, अपने उस्ताद से, या क्या आप इसके बारे में तफसीलन बताइए, क्योंकि आज की रात है, जैसे कि आपको पता है कि मगरिब के बाद बच्चे जो इतकाफ पे बड़े बच्चे जो भी हैं वो बैठ रहे हैं, तो इसके बारे में इसकी तफसील बताइए कुछ। देखिए जहाँ तक वालिदैन की इजाज़त, इसके बगैर कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है। यानी मैं अगर कोई नेकी का काम भी करने जा रहा हूँ जी बिल्कुल, और नफली नेकी जिसे हम कहते हैं नफली इबादत, और उसमें अगर मेरी वालिदैन की रजा नहीं है ठीक है, तो शरीयत कहती है कि उसको फिर आप एक तरफ कर दें। यानी वालिदैन की इजाज़त लाजमी है, लाजमी है। जिस तरह औरत के लिए अपने खामिन से इजाज़त लेना ज़रूरी है कि मैं बैठ सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त है, तो खामिन अगर इजाज़त दे दे तो उस सूरत में उसके लिए शरीयत ने इजाज़त दी है। इसी तरह बच्चों का मामला है, अगर बड़े जो है वो ये देखते हैं, क्योंकि आजकल के नौजवान नस्ल भी ज़रा ज़्यादा चालाक हो गई है कि वो सिर्फ आउटिंग के लिए ही, इसी तरह है। यानी घर वालों को के जहन में तो ये होता है कि बच्चे हमारे बैठे हुए हैं मस्जिद के अंदर, जबकि वो मस्जिद से बाहर अपने दोस्तों के साथ होती है उनके साथ जो है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सही बात की है, बात वही है कि इंसान को अपने वालिदैन से पूछकर हर काम करना चाहिए, जिसका जो भी सरपरस्त है उसको उससे इजाज़त लेके काम करना चाहिए। हमारे पास हमारे भाई मौजूद हैं फैसल महमूद कादरी साहब जो कि फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, आपसे कहूँगी कि हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली जब से हुआ है विर्द
और दुनिया में सब से आला कराने के नूर हो दुनिया में सब से आला गराने के नूर हो इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली इस वास्ते काबे के बुत गिराए नहीं खुद अपने हाथ से हजरत ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली माशाल्लाह माशाल्लाह। इलामा साहब हमारे साथ हैं तो मैं इलामा साहब से सवाल करना चाहूँगी। मौला अली शेर खुदा की फजीलत और शान कुरान सुन्नत से बयान फरमाइए। ये तो पूरे समुंदर को जो है कूजे में बंद करने वाली बात है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जो फजाइल हैं हदीस में कसरत से बयान हुई हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती है मैं ये समझता हूँ और सबसे बड़ी जो सआदत है वो ये है कि आप हजूर अली सलातुस्सलाम के घराने में आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी। आपको बाबो मदीनतुल इल्म कहा गया कि हज़ूर अली सलाम ने कहा कि मैं इलम का शहर हूँ और उसका जो दरवाज़ा है बाप है वो सैदना अली करमल्ला वजहल करीम है। और देखिए कि अरब की तारीख में जितने भी मौर्रखीन गुज़रे हैं उन्होंने ये बात बयान की है कि अरब में तीन चीज़ें तकरीबन हर शख्स में पाई गई, यानी ये जो माशरा है ये तीन सिफ़ात की वजह से बहुत मशहूर है, शुजात के हवाले से, सखावत के हवाले से और फसाहत के हवाले से। तो हम तारीख़ का जब मुताला करते हैं तो इन तीनों सिफात में मुश्तरक नज़र आती है वो वजहल करीम, यानी फसाहत का शाह सवार गुज़रा तो वो सखावत में ज़रा कमज़ोर था और जो सखावत का शाह सवार था वो शुजात में कमज़ोर था और जो शुजात में आगे आगे था तो वो दूसरे ही सिफात में कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन ये वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जो इन तीनों सिफात है पूरा उतरती। और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने आपको अपना भाई करार दिया, हिजरत के मौके पर जो है आप अलैहिस्सलाम ने अपना भाई इनको करार दिया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस तरह हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजूर ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, के हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, इसी तरह सैयदना अली करम अल्लाह वजहल करीम के बारे में भी फरमाया कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। ये हदीस मुबारका का मफहूम है।
तो आप अलैहिस्सलाम के ये मुबारक हस्ती जो है हर मकाम पर जो है मुनफरिद नज़र आती है। और इलम के हवाले से आप देखिए कि आप एक मरतबा बिस्मिल्लाह की तफसीर बताते हैं तो इशा की नमाज से लेकर फजर की अजान होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो तफसीर ख़त्म नहीं होती, सिर्फ बिस्मिल्लाह की। इतना इल्मी मकाम। और फिर सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन आपसे जो है मशवरे लेते, किसी मसले में अगर उनका कोई वो कन्फ्यूज़ हो जाते, उनको दिक्कत पेश आती तो रुजू हज़रत अली की तरफ करते। और हज़रत उमर फ़ारूक ने तो कई मरतबा ये कहा कि लौला अलीयुन लहलका उमर, कि अगर अली इस मामले में मेरी रहनुमाई ना करते तो उमर जो है वो हलाक हो जाते, उमर हलाक हो जाते। तो आपने कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई। और इस हवाले से भी हमें ये देखना है कि हज़रत अली करमल करीम की जो सीरत है, देखिए हम अपने बच्चों को इन मुबारक हस्तियों की सीरत के हवाले से नहीं बताते। आज हमारा नौजवान नस्ल जो है दूसरी तरफ तो बड़ा उसे पता है कि सिंगर के हवाले से, अदाकार के हवाले से, उसकी जो है पसंदीदा चीज़ों के हवाले से उसे खबर होती है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत हस्तियाँ, इतनी प्यारी हस्तियाँ कि इनके बग़ैर तारीख इस्लाम की वो तारीख ही ना लिखी जाती। तो हमें अपने नौजवान नस्ल को इनके हवाले से बताना है, अपने बच्चों को बताना है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना कैसा था, अपने नौजवानों को बताना है कि नौजवानी के आलम में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते रहे, शुजात के हवाले से बताना है, इबादत के हवाले से बताना है, माफ़ी के हवाले से। वो मशहूर वाक़या जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम का मैदान जंग में है और आपके हाथ में तलवार है, करीब है कि काफिर का जो है सर उड़ा दें, लेकिन इस दौरान में जो है वो आपके ऊपर थूक देता है। तो उस सूरत में आप रज़ी अल्लाह ताला तलवार एक तरफ रखते हैं और उसे जाने देते हैं। किसी ने पूछा कि हज़रत ये क्या किया आप, कहा कि पहले मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर इसको कत्ल करने वाला था, मारने वाला था, अब इसमें ऐसा ना हो कि मेरा इंतकाम, मेरी अना आ जाए। तो हमें इन हस्तियों से हासिल की ज़रूरत है कि हमने माफ़ी का वो पहलू जो है सामने रख कर ख़ास है मुबारक में हमने माफ। देखिए हम उस हस्ती के पैरोकार के जिन्होंने हर मौके पर लोगों को माफ़ किया है, फतेह मक्का के मौके पर लोगों को माफ़ कर दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब जो है हजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, लेकिन आपने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम कहकर कि आज सब माफ़ है, सबको माफ़ी का ऐलान करता हूँ, हमने ये स्पिरिट अपने अंदर पैदा कर। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजते हैं, हम अपने बच्चों को दीन का नहीं बताते। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो गया है। हर घर में माँ बाप पढ़े लिखे हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, हदीस के बारे में बच्चों को इतना इल्म नहीं है। जब भी उनसे कोई भी बात पूछी जाए तो वो हंस के जवाब दे देते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, ऐसे करके वो जवाब देते हैं। तो ये गलती हम लोगों की है, माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। जैसे कि बच्चों को जो आप बताएंगे वो ही समझ पाएंगे। जब आप अपने घर में बैठ के, हम कहते हैं जी मस्जिद में बच्चे कुरान पाक के लिए चले गए हैं, वो घर में क्या पढ़कर आते हैं हमें नहीं पता, हमें ये पता होता है कि ये मस्जिद से होकर आ गए। आपने अगर घर में जो मौलवी साहबान जो आपने लगाए होते हैं कुरान पाक के लिए, वो घर में कुरान पाक पढ़ाकर चले जाते हैं, माँ को बाप को ये देखना चाहिए कि आज हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा, इन्होंने क्या इल्म हासिल किया, दीन का कितना इनको पता चला, कौन सी ऐसी हदीस है जिसका हम इनसे पूछेंगे तो ये हमें बताएंगे। हम कहते हैं कि बच्चों को नहीं पता, जब तक माँ बाप बड़े जो हैं लामा साहब बच्चों को हदीस के बारे में और दीन के बारे में ज़्यादा उनको नहीं फोर्स करेंगे तब तक बच्चों को नहीं पता। आप मुझे ये बता दीजिए कि आज के दौर में कितने फ़ीसद बच्चे हैं जिनको हदीस का और दीन का पता है, बताइए। देखिए ये बदकिस्मती की बात है, नहीं पता, यानी हमारे बच्चे जो हैं वो कुरान हिफ्ज़ कर देते हैं लेकिन कुरान जो लफ्ज़ कुरान है उसका लिटरल मीनिंग का नहीं पता होता, लफ्ज़ी माना क्या है। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक हम कुरान को अपने दीन को समझकर, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं। देखिए जो सहाबा किराम थे उन्होंने दीन को जो है डिस्कवर किया था, जी बिल्कुल, उन्होंने इसको दरियाफ्त किया था, बेशक, यानी ब्लाइंडली उसके ऊपर अमल करना नहीं शुरू कर दिया था, बल्कि दीन क्या है, नमाज, रोजे को, जकात को, हज को, उस फिर को समझा है, उस उन्होंने इस दीन को जो है अपनाया है।
अब हमारे आपने दुरुस्त बात की कि हमारे जो घर का सरबराह है जिस तरह वो स्कूल के हवाले से मोहतात होता है, पीटीएम मीटिंग चल रही होती है, पेरेंट टीचर की मीटिंग चल रही होती है, इसी तरह जो मौलवी साहब हैं, जो कारी साहब हैं या मस्जिद में जिनसे भी आपका बच्चा पढ़ रहा है उनके साथ आपका वीकली या मंथली कम अज कम एक मीटिंग होनी, उनको एम्फसाइज करें जो उनके टीचर हैं कि आप मेरे बच्चे को जो है कुरान अगर आपने पढ़ाना है, हदीस अगर आपने पढ़ानी है तो खुदारा समझ कर पढ़ाइए ताकि बच्चे के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत जो है वो आ जाए। बिल्कुल, तो ये घर के बड़े की जिम्मेदारी। बिल्कुल अलावा साहब, और ये जो कारी जिनको पढ़ाने के लिए घर में आते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि वो जो पढ़ा कर उनको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो बस इतना उनका होता है कि इतना टाइम में मुझे पढ़ाना है, आगे बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, उसको वो सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ये उनके माँ बाप को भी उनको बताना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसमें कारी भी जो हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के कि बच्चे जो इनसे दूर रहते हैं, सिर्फ कुरान पाक पढ़ा कर चले जाना ही उनका काम नहीं है, उनको बताना चाहिए कि ये क्या है, कि हमें दीन दर्स क्या देता है, ये चीज़ें उनको कारी का भी काम है वो भी बताएं। सिर्फ ये नहीं है कि 20 मिनट या आधे घंटे के लिए आए और बच्चों जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़ के तो उन्होंने अगले घर जाना है। अगर एक बच्चे को ही आप दर्स नहीं दे सकते हमारा दीन में क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या आगे करेंगे? आपसे बात होती रहेगी। अभी मैं बिल्कुल महानूर तो उनसे कहूँगी कि माइक दे दीजिएगा उन्हें प्लीज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला। जिनते नबी वो जहल गया आका से उसने ये कहा, गए हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या, आका का फरमान हुआ और फजले सुबहान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला। वो जो बिलाले हबशी है सरवर्दी का प्यारा रा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है, जुल्म हुए कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर फिर भी जबां पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्ला हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला।
यहाँ पर अफ्तार का टाइम हो चुका है। आप सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आप रहिएगा रहमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन के। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. أي الله، मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।